बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करेंगे जैसे कि कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन कर रहा है कि जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे। इनके लिए चुनाव क्या है? लूटने का एक माध्यम है। हमारे लिए चुनाव जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये संकल्प नहीं होता तो क्या पिछले 10 वर्ष में भारत इतनी प्रगति करता? आपने देखा होगा नए भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने जो प्रगति की है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था, लगातार सम्मान घटता जा रहा था, सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना? लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है? आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। अब ये सीमा पार का आतंकवाद समाप्त, पाकिस्तान कहता है मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस, एक बार अब कुछ नहीं कर रहूंगा मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तानी भेज देना चाहिए, जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। और पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार का नजारा है, अराजकता है, लोग 1 किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, आटा के लिए लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। और मैं तो कहूंगा इन पाकिस्तान परस्तों से जाए पाकिस्तान में भीख मांगे, पाकिस्तान में कंगाल बन करके वहां पर इनके दिमाग ठिकाने न लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, खाएंगे भारत के अंदर और जो गाएंगे पाकिस्तान का, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते मोदी जी ने क्या किया है, बहनों और भाइयों, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। उनको बताइए, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ और मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा है, यह है नया भारत। बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक
वृद्ध नागरिक को, वृद्ध जन को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, एलपीजी का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में मिलता नहीं था, पैसा देके भी नहीं मिलता था, मोदी जी ने 10 करोड़ घरों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया है, और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है, मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है, दुनिया देखती रह जाती है। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, और हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल भी आरओ का होगा, यह भी मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। और बहनों और भाइयों, ये तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं, आपने यहां पर डॉक्टर सुभाष जी भामरे को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बना रहे हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान, कैंसर सर्जन, उच्च शिक्षित कैंसर सर्जन, वह तो इन सब के बारे में जानता है, संसद में विभाग मंत्रालयों में इन मुद्दों को उठाता है, संसद में मुद्दों को उठाता है, उन योजनाओं को यहां पे लेकर के आने का काम करता है। एक तरफ यह भारत और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन। बहनों और भाइयों, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो कांग्रेस है ना, हमें एक गफलत छोड़ देनी चाहिए कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस है, ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं जिसको सरदार पटेल ने, लोकमान्य तिलक जी ने जिस कांग्रेस को नेतृत्व दिया था, ये कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, सोंगलिया कांग्रेस, राहुल कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब इसका जो परिवर्तित रूप है, ये परिवर्तित रूप इसका क्या है, ये परिवर्तित रूप है, यह अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, इसने किया भी नहीं है, ये करना भी नहीं चाहती है, लेकिन यह इसका जो घोषणा पत्र है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो इन्होंने जारी किया है, अगर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, आपको लगेगा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का नहीं लगेगा। दूसरा, इस पे इसने जो घोषणाएं की है, ये कहती है 2-3 चीजें इतनी खतरनाक हैं। पहला, यह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर सेंध लगाना चाहती है, और इसके लिए यह आपके आरक्षण के अधिकार को मुसलमानों को देना चाहती है। क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के हिंदुओं को मिलने वाला आरक्षण आप कांग्रेस को देना चाहेंगे, कांग्रेस के माध्यम से मुसलमानों को देना चाहेंगे क्या? धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी किया था, ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। दूसरा, कांग्रेस ने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी
तब जस्टिस रंगनाथ के अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए। बीजेपी और एनडीए ने विरोध किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की मंशा उस समय हम लोगों ने पूरी नहीं होने दी थी। मैं संसद में था, हम विरोध करते थे, कई दिनों तक विरोध चला। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, जब वह उसको लागू नहीं कर पाए तो उन्होंने बैकडोर से फिर जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने यह व्यवस्था करने का प्रयास किया कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे दिया जाए। हमने तब भी विरोध किया था। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विरुद्ध है यह आरक्षण, यह मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता, हम इसका विरोध करते हैं। और आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो फिर से मुस्लिम आरक्षण की वकालत करता है। हमें इसका विरोध करना चाहिए, यह भारत के विभाजन की आधारशिला है। दूसरा, बहनों और भाइयों, कांग्रेस के सहजादे क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा। उनसे पूछा गया कि गरीबी कैसे मिटाएंगे, कैसे हटाएंगे गरीबी? उसने कहा वेल्थ इमरजेंसी से, यानी इमरजेंसी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इमरजेंसी कांग्रेस के डीएनए का पार्ट बन चुका है। वेल्थ इमरजेंसी का मतलब वह आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, संपत्ति का सर्वे करा करके फिर उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे। आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मदर ने जो संपत्ति अर्जित की है और वो संपत्ति स्वाभाविक रूप से आपके पास आई है, उसमें से आधी संपत्ति कांग्रेस के लोग और उनके सहयोगी जबरदस्ती लेकर के फिर मुसलमानों को बांटने का प्रयास करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेगा क्या हिंदुस्तान? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूं ये कांग्रेस का वरासत टैक्स या औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब की आत्मा घुस गई है कांग्रेस में, और इसलिए बहनों और भाइयों, क्या औरंगजेब को यह देश बर्दाश्त करेगा क्या? महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा क्या? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को एक सिरे से खारिज करना है। एक कांग्रेस और इसके सहयोगी सारे लोग एक जैसे हैं, जैसे कांग्रेस वैसे सहयोगी, वे सभी के सभी लोग इसी प्रकार के कार्य में लिप्त हैं। आज तो मैंने इस बात को देखा। मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा था और समाचार पत्र में मैं देख रहा था कि किस तरीके से इनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है और चुनाव प्रचार में किस प्रकार की बातों का यहां पर खुलासा किया जा रहा है। यह मैं मुंबई का ही देख रहा था और मुंबई में मैं देख रहा था कि मुंबई में एक प्रत्याशी है, यानी मुंबई ब्लास्ट का 1993 का जो दोषी है उसका एक अभियुक्त दोषी है इकबाल मूसा, वह इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिया है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मुंबई ब्लास्ट के अपराधियों को स्वीकार करेंगे क्या? जिन लोगों ने हजारों लोगों को मारा हो, जिन लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, वे खुलेआम वोट मांगे, क्या इसको हम स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बात कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है,
और किस रूप में दे सकती है, इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहन और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। और इसलिए बहन और भाइयों, मैं आप सभी से ही कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस की घोषणा पत्र में एक और बात लिखी गई है, और वह लिखी गई है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनेगी तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जिसमें मत भिन्नता रखते हैं? वह केवल गौ मांस है। हिंदू जो भी होगा वो कहेगा कि नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। हमारे पास तो उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जब गौ हत्यारे को उन्होंने देखा कि ये कसाई गौ माता पर बर्बरता बर्बर अत्याचार कर रहा है, तो उसका काम तमाम करवा दिया था उन्होंने। और यही मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये कहती है कि आएंगे तो गौ हत्या करने की छूट देंगे। क्या आप यहां मालेगांव में और धुलिया में, क्या ये कांग्रेसी लोगों को क्या यहां पर गौ कसी करने की, गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे राम मंदिर का जो पुण्य प्राप्त हुआ है आपको, उस पुण्य को गौ हत्या करवा के पाप में नहीं बदलना है। राम मंदिर बना है, मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपके वोट से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। पुण्य तो आपको भी प्राप्त हुआ है, और इसीलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, यूपी में तो हमने सभी स्लॉटर हाउसेज ही बंद करवा दिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बंद करो इसको। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इनका कोई लक्ष्य नहीं, इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनकी कोई नीति नहीं, इनके पास कोई नेता भी नहीं। ये जितने दल हैं उतना ही दलदल में भी हैं। इनके पास देश के लिए किसी प्रकार का कोई इनके पास विजन नहीं है, और इसीलिए इनका मिशन भी नहीं है। यह तो केवल और केवल देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। हम देश सर्वोपरि मानते हैं, भारत सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पण। अगर हमारी सत्ता कभी देश के मार्ग में, भारत के नवनिर्माण में, भारत के विकसित भारत की संकल्पना में बाधित बनेगी, हम सत्ता को ठुकराएंगे, पहले भारत के विकसित भारत के निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं, हमें इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और इसलिए गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। केवल इनके पास अब एक ही
अस्त्र बचा है और वह बचा है केवल अफवाह फैलाने का, गुमराह करने का, मनगढ़ंत आरोप लगाने का, केवल यही एकमात्र इनके पास बचा हुआ है। और इसलिए गुमराह नहीं होना है हमें, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए बनाना है, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज के सपने को हम स्वतंत्र भारत में साकार कर सकें, इसलिए बनाना है, जिससे सरदेव बाला साहब ठाकरे के सपनों के साकार करते हुए एक ऐसा भारत बनाना है जिस भारत में खुशहाली हो, जो दुनिया को नेतृत्व देने वाला हो, हमारी बेटी भी और व्यापारी भी सुरक्षित हो, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशी हो, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, ऐसा आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है, एनडीए आपके सामने है, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस सीट पर डॉक्टर सुभाष जी भामरे, पहले भी सांसद आपने बनाए थे, आज फिर उनको बना करके भेजना है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं आज अयोध्या से अपना कार्यक्रम स्थगित करके सीधे आपके पास आया हूं, आपसे विनम्र अपील करने के लिए, इस सीट पर डॉक्टर सुभाष जी भामरे चुनाव विजयी बनकर के जाएं और फिर आपको लेकर के अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आए। मैं उनसे भी कहूंगा, यहां के जितने भी हमारे एमएलए हैं इनसे भी कहूंगा, ये सब एक साथ आए, मुझे केवल एक बार सूचना दे देंगे, आज अयोध्या नई अयोध्या बन गई है बहनों और भाइयों, ऐसे लगता है जैसे भगवान राम के समय की अयोध्या फिर से आ गई हो। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमने दे दी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, जो लोग अयोध्या गए होंगे पिछले 3 महीने में, उनको वहां की व्यवस्था अच्छी लगी होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई वहां, जो गए थे वे अभिभूत होकर के आए हैं, अंतःकरण से अपने पूर्वजों का धन्यवाद करके आए हैं कि जिस कार्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया था आज रामलला को देख करके आ रहे हैं, और अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में है, और उस नई अयोध्या के लिए मैं आपको आमंत्रित करने के लिए भी आया हूं। अयोध्या का दर्शन एक बार जरूर करिए, आप आइए, और जब आना हो तो मुझे एक बार सूचना जरूर दे दीजिए, बाकी आपकी कोई समस्या नहीं होगी, सारी समस्या का समाधान हम अपने आप करेंगे। मेरी आपसे अपील होगी कि डॉक्टर सुभाष जी भामरे को कमल चुनाव चिन्ह पर, परसों 20 मई को ही इलेक्शन है, और एनडीए के प्रत्याशी जहां भी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर उन सभी 13 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। बहनों और भाइयों, इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होना चाहिए, जीत तो पक्की है लेकिन जीत ऐतिहासिक भी होनी चाहिए, ऐतिहासिक विजय के लिए मैं आया हूं। डॉक्टर सुभाष जी भामरे को ऐतिहासिक विजय बना के भेजेंगे, मालेगांव बोलो, धुलिया बोलो, जिता के भेजेंगे भारी बहुमत से, पीछे के हाथ भी ऊपर दिखने चाहिए, मुझे बताओ, आश्वस्त करो सभी लोग सहमत हैं, जिता के भेजेंगे, चुनाव के दिन कमल ही कमल दिखना चाहिए, दिखेगा तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।